सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटे के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। तो यह वीडियो किस वैकेंसी के बारे में है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, कि आपको कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, तो हम आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वैकेंसी की अपडेट आप तक मिलती रहें और आप तक वीडियो मेरी सबसे पहले पहुंच सकें, और उसके बाद बेल के आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम आपको सारी चीज़ें समझाते हैं और आपको लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी जारी की गई है इंडियन कास्ट गार्ड की तरफ से जारी की गई है और ये यांत्रिक का फॉर्म है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहीं से सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, यहीं से फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सरकारी जॉब फंड .com वेबसाइट है, इस पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट को आप जरूर से फॉलो किया कीजिए, इसको लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म में सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे, अदर रिक्रूटमेंट जॉब में और सारी जॉब मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको एडमिट का रिजल्ट और बहुत सी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप जो है इसे सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब फंड .com नाम से, इसे सर्च कर सकते हैं गूगल में और ये फर्स्ट नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाती है सरकारी जॉब फंड .com नाम से सर्च करेंगे। तो आते हैं वैकेंसी पर। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी की गई है और यहाँ पे हम जो पोस्ट है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है। 12 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, मतलब 12 जनवरी 2018 से, और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 19/1/2018। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, बहुत कम टाइम है। तो आप जल्दी से फॉर्म को भरिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको भरना है। तो आपको फॉर्म को भरना है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फॉर्म जो है इसकी लिंक एक्टिवेट होगी, ये 12 को एक्टिवेट होगी, जो आपको नीचे दिख रही होगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है और इन सब कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। टोटल जो है पोस्ट की वैकेंसी है जो यहाँ पे गिवन नहीं है टोटल पोस्ट। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो आपको यदि डिप्लोमा है तो आप जो है भर सकते हैं इस फॉर्म को। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा हूँ, मतलब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 32 साल उम्र मांगी गई है और जो उम्र काउंट होगी 1/1/2018 को काउंट होगी। यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांग गया है, जो है हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, उठक बैठक 20 स्क्वायर अप्स रखा गया है, रनिंग 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में पूरी करनी है, 10 पुशअप्स रखा गया है, चेस्ट जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन होना चाहिए। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, जो है लिंक 12 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगी। डाउनलोड नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी। दोस्तों, ये देखिए नोटिफिकेशन है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल्स यहाँ पे थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने सबको सारी चीज़ें आपको समराइज करके बता दी है तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन होगी, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उसके बाद उस घंटी का निशान आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।